प्रियंका मैम इधर आ जाइए, एक बाइट करेंगे छोटी सी। अच्छे लग रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए हमेशा ये अप्रिसिएशन बहुत मायने रखते हैं, मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और बेहतर काम करने के लिए। तो बस एक और शायद मोटिवेशन की ज़रूरत थी और कुछ नहीं। मैं तो बहुत मैं आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। तो अभी रिसेंटली आपका सॉन्ग भी आ रहा है। हाँ जी। कितने एक्साइटेड हो और क्या एक्सपीरियंस है, कैसा क्या कुछ नया है? वो गाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि वो उसमें मेहनत मैंने भी बहुत की है, पापा ने भी बहुत की है, हमारी डायरेक्शन टीम एंड इनफैक्ट सुमेद सब ने बहुत साथ दिया है गाना शूट करने के लिए, बिकॉज हमारे लिए एक तरह से घर का प्रोजेक्ट हो गया था ये। तो चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो रिहर्सल्स हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हो, हर चीज़ में सबका ध्यान रहता था। ऐसा नहीं कि जिसका डिपार्टमेंट है वही मैनेज करें, मैं भी कभी कभी कॉस्ट्यूम्स देखती थी क्या हो रहा है। एंड मतलब सब ने फुल ऑन बहुत मेहनत की है इस गाने पर। तो मैं बस बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं बहुत दिल से मैंने इस पर काम किया, तो बस मुझे चाहती हूँ बस इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आए। रूपाली जी मेरे लिए एक्चुअली वो हमेशा से ही, हम भले ही ज़्यादा मिलते नहीं, हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, पर एक ही अंडरस्टैंडिंग शायद हम दोनों के अंदर ही है कि हम दोनों को जब भी एक दूसरे की ज़रूरत होगी हम हमेशा अवेलेबल होंगे। तो हम बहुत जब भी मिलते हैं, जब भी बात होती है तो एक बहुत अपनेपन वाली फीलिंग आती है जो हमें कभी ज़्यादा लोगों से नहीं आ पाती है। उनसे मिल के ऐसा लगता है कि यार कुछ भी बोल सकते हैं, कितनी भी बातें कर सकती हूँ, अच्छा लगता है। तो मुझे तो वैसे ही वो बहुत पसंद है, तो बस वही जब भी मिल जाती हैं जितनी बातें कर सकती हूँ कर लेती हूँ। सो अभी मैंने और एक आपका पिक्चर देखा इंस्टाग्राम पे, आपने उसमें कैप्शन पे लिखा था कि 10 साल पहले आप कुछ डिसीजन खुद से नहीं ले पाते थे बचपन में और अभी भी आप थोड़े कन्फ्यूज होते हैं, तो अब भी क्या कैसा है, आप ले सकते डिसीजन? अरे मैं ले सकती हूँ, मैं बहुत स्मार्ट इंसान हूँ, लोगों को पता नहीं है स्मार्ट हूँ मैं। मैं बड़े डिसीजन ले सकती हूँ, पर मेरा मन मलाई पाव खाने का है या बन मस्का खाने का है ये मैं डिसाइड नहीं कर सकती कि मुझे फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं या चिकन पॉपकॉर्न खाना है। मैं उसमें भी कंफ्यूज होती हूँ, फ्रेंच फ्राइज़ भी कहाँ के खाने हैं, ये चीज़ें मैं कंफ्यूज होती हूँ। बड़े डिसीजन में नहीं, कौन सा काम करना है अरे नहीं बहुत क्लियर है। और साथ ही आज तो आपको अवार्ड मिला है, साथ ही आपके डैड भी आए, साथ में क्या कुछ कहना चाहोगे क्योंकि डैड के साथ आप आए हो, कैसा एक्सपीरियंस? मैं पापा के साथ पूरा टाइम रहती हूँ तो मुझे तो अच्छा ही लगता है। क्यों मैंने समझा नहीं। सो अभी अब्दू का सॉन्ग आया है। हाँ जी। सो उस पे क्या कहना चाहोगे? अब्दू को तो मैं यही कहूँगी कि वो बहुत बहुत प्यारा इंसान है और वो जब भी कोई गाना करता है, जबकि उसे समझ में भी नहीं आता है आधे वक्त कि वो एग्जैक्टली क्या गा रहा है क्योंकि वो इतना फ्लुएंट नहीं है हिंदी में, बट इसलिए वो जब भी गाता है लोगों के दिल तक पहुंचता है क्योंकि वो उसकी आवाज़ में वो मासूमियत है, वो इतनी सूदिंग आवाज़ है उसकी। तो मुझे लगता है कि वो बस बहुत टैलेंटेड इंसान है एंड बहुत कमाल का सिंगर है। शिव ठाकरे एनी टाइम। मैं यही बोलूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक इतना प्यार देने के लिए। और आज एक और ऐड हो रहा है मेरे शेल्फ पे, शेल्फ छोटा पड़ रहा है। हाँ वो वंडर वुमेन, हाँ ठीक है ना। तो आज वंडर वुमेन अवार्ड ऐड हो रहा है मेरे शेल्फ पे आप सबकी बदौलत, एंड बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए। बस ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए एंड मैं अभी दावे से कह सकती हूँ कि गाने के बाद एक और कुछ आने वाला है बहुत बड़ा बहुत अच्छा, तो बस सीट बेल्ट बांधे रखिए क्योंकि अभी हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। थैंक यू।
राजू से यहाँ पे देखते हैं आप थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है अवार्ड हाथ में जब होता है तो आर्टिस्ट को एक रिकन्फर्मेशन वाली बात होती है कि आप वाकई अच्छा काम कर रहे हैं बिकॉज अल्टीमेटली दिस अवार्ड दैट कम्स टू यू कम्स फ्रॉम द ऑडियंस। तो हम जो कुछ भी करते हैं हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अगर जब तक ऑडियंस उसे नहीं देखेंगे उससे प्यार उस कैरेक्टर से प्यार नहीं करेंगे तब तक शायद ये अवार्ड हमारे हाथ में नहीं आएगा। सो आई वॉन्ट टू थैंक टेली चेकर्स फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस वर्सेटाइल एक्ट्रेस बिकॉज वर्सेटाइल बाई इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग वर्ड। वर्सेटाइलिटी मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैं उस कैटेगरी में आ गई हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ एंटरटेन कर रही हूँ। एब्सोल्युटली मैम यू आर सो वर्सेटाइल। हमने आपको देखा भी है कहीं ना मतलब देखते आ रहे हैं बचपन से अब तक। जी सो आपका फेवरेट किरदार कौन सा है? आपने अपने लाइफ में इतने सारे किरदार निभाए हैं जो आपका फेवरेट है जो आपने प्ले रोल प्ले किया? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट किसी भी एक्टर से ये पूछना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर क्या है ये कहना भी अनुचित रहेगा बिकॉज जब हम एक रोल करते हैं तो हमको लगता है यार ये बेस्ट है। जब नेक्स्ट रोल आप उसको सुपरसीड करते हो तो आपको लगता है यार ये रोल भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे करते करते आपके हर रोल्स में आप एक जान डालने की कोशिश करते हो कुछ अलग करने की कोशिश करते हो। स्पेशली मी अगर आपने मेरे कैरेक्टर्स देखे होंगे तो मैंने कभी मैं नेगेटिव तो करती हूँ बट मैं कभी रिपीटेटिव नहीं हुई हूँ। लाइक रमोला सिकंद आई वॉज अ हार्ड कोर नेगेटिव। नागिन में जब मेरी इंटरव्यू हुई तो मैंने इनिशियली बहुत हार्ड कोर नेगेटिव कैरेक्टर रहा। देन नागिन टू में मैंने हल्का सा उससे डिवेट करके कॉमेडी पे चली गई जो लोगों को बहुत पसंद आया। सो आई थिंक दिस इज़ वॉट यू हैव टू कीप डूइंग। अगर एज एन एक्टर अगर आपको यहाँ सस्टेन करना हो तो यू हैव टू कीप रीडिस्कवरिंग कि आप अलग क्या कर सकते हैं। मैम इसके अलावा आपके बकेट लिस्ट में और क्या है? आप और क्या करना चाहोगे? आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हम आपको किसमें देखेंगे? बकेट लिस्ट तो अभी तो पूरा भरा हुआ है तो मैंने जितना किया है आई थिंक इट इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत कुछ करना बाकी है बट आई ओनली से आई एम थैंकफुल कि जहाँ तक मैं आई हूँ जो जर्नी में ट्रैवल करके आई हूँ मैं वो खुश नसीब हूँ। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं कई एक्टर्स हैं जो बहुत सारे सपने लेकर यहाँ आते हैं बट कुछ सपने साकार नहीं होते। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि आज जिस पोजिशन में हूँ मैं बहुत ही खुश हूँ। बट यस ऊपर वाले की मेहरबानी रही और फैंस बस इसी तरह मुझसे प्यार करते रहेंगे तो आज भी करूँगी। मैम अभी आपको आउटफिट सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? क्योंकि मैं खुद ही बहुत वाइब्रेंट हूँ। मैं अगर आप मेरे किरदार भी देखेंगे तो मैं नॉर्मल नहीं दिखती, मैं हमेशा वाइब्रेंट दिखती हूँ। एंड थैंक्स साउथ इंडियन फैमिली से आई हूँ बट मैरिड इन टू पंजाबी फैमिली तो पंजाबीज वैसे ही बड़े वाइब्रेंट होते हैं। सो आई हैव टू थैंक माई हस्बैंड बिकॉज वो मेरे लिए बहुत बड़े गाइडिंग फोर्स है कि डल कपड़े मत पहनना, वाइब्रेंट पहनना, अच्छी लगोगी। सो आई थिंक उसी ट्रेंड में मैं अभी 25 साल 30 साल तो हो गए शादी होके। सो आई एम लाइक अब तो मैं टोटली वाइब्रेंट हो गई हूँ। आई लव देम एज मच एज दे लव मी बिकॉज आज के ज़माने में हर कोई अपनी ज़िंदगी में इतना उलझा हुआ है बट बावजूद उसके दे स्टिल हैव दैट टाइम टू लव मी अनकंडीशनली। तो वो एक मेरे लिए आई थिंक आई एम गॉड्स ब्लेस्ड चाइल्ड एंड बस इसी तरह लोग मुझसे प्यार करते रहे। दैट्स ऑल दैट आई हैव टू आस्क। आई कांट थैंक गॉड इनफ। थैंक यू सो मच। थैंक्स। Baby, did you eat? Yes, I did.
वापस एक साथ डांस कब होगा? अवार्ड मिला है आज, आप कैसे फील कर रहे हैं? अनुपमा के आप प्रोड्यूसर हैं और साथ में अनुपमा भी खड़ी है, रूपाली गांगुली, और साथ में राजन शाही भी हैं। आई फील वेरी हम्बल्ड एंड प्रिविलेज्ड फॉर दिस अवार्ड एंड फॉर अनुपमा फॉर गिविंग दिस एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन द शो। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट। मैं ये कह रही हूँ कि 80 साल की उम्र में ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलना बहुत अच्छा। अनुपमा को क्या कहना है, अनुपमा के बिहाइंड द सीन? अनुपमा ये तो इंस्पिरेशन है शो का, और ये माँ है, हम सबकी माँ है। चाहे वो कुछ कुछ चीज़ें बना के भेजती है, चाहे कभी साग आता है घर में, चाहे अचार आता है, मैं वो मतलब मेरे पति से छीन के खाती हूँ, उनको भी नहीं शेयर करती कई बार। आई रियली टेक इट फ्रॉम माय शेम लाइक नो आंटी सेंड दिस, आई वांट टू हैव इट। सो शी इज़ लाइक टोटली, जो अनुपमा जैसे अन्नपूर्णा बताई गई है वैसे ये है अन्नपूर्णा एक्चुअली। एंड इट इज़ एन ऑनर टू बी स्टैंडिंग है। कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं ताकि लोगों का सम्मान बढ़ाने के लिए, लेकिन ये अवार्ड इनके हाथ में आकर सम्मानित हुआ है। बेसिकली वंडर वुमन अवार्ड, सो इट्स जस्ट लाइक एम्पावर वुमन। सो हाउ, व्हाट इज योर डेफिनेशन फॉर एम्पावर? एम्पावरमेंट मींस रियलाइजिंग योर सेल्फ वर्थ, रियलाइजिंग योर सेल्फ वैल्यू एंड लविंग योर सेल्फ। ऑफ कोर्स यू लव योर फैमिली, यू लव पीपल अराउंड यू, but it is very important to realize that you are also capable of something, and she completely sets an example for that. If at 78 she starts a show, she becomes a producer and makes a number one show in the country, and which is even talked about all over the world, and it is a huge inspiration. It's like salute to her for doing this and inspiring all of us. अच्छा लग रहा है दैट टू बी विद टू वेरी इंस्पिरेशनल वेमेन, वेमेन पावर, वन इन रियल लाइफ, वन इन रियल लाइफ एंड वाइस वर्सा आल्सो। तो अच्छा लग रहा है कि मॉम को आज इतना बड़ा सम्मान मिला है एज द सुपर अचीवर एंड वंडर वुमन अवार्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अनुपमा। और जैसे रूपाली ने कहा कि स्टेज में आके लॉकडाउन के बाद टेलीविजन कैरियर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एक ऐसा शो प्रोड्यूस करना अनुपमा जैसा जो इतना इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइज कल्ट और ट्रेंड सेटर बन चुका है, एंड फॉर रूपाली फॉर प्लेइंग दैट कैरेक्टर रोल। सो आई थिंक टू पावरफुल वुमेन के साथ इट्स एन ऑनर टू स्टैंड नेक्स्ट टू देम एंड बेस्ट ऑफ लक। But Anupama is totally her. See, the kajra also. Every time I wear the kajra also, it's like she's forever wearing it. So it's like totally her. थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you.